गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम नवदीप अग्रवाल ओनर ऑफ एस एस सी कोचिंग इंस्टीट्यूट रामप्राफोर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिटेल्ड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर हो फिली यू लाइक इट लेट स्टार्ट। आप जैसे आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट में साउंड का सोर्स है तो उससे साउंड बेस प्रोड्यूस होके हमारे ह्यूमन ईयर के पिना तक पैचरिंग हुई थी तो वो अभी एक कैनल टाइप स्ट्रक्चर में एंटर हो गई हैं और वो कैनल टाइप स्ट्रक्चर जो है वो जो अभी ब्लूइश के स्काई ब्लू कलर में दिख रही है तो इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनल तो ऑडिटरी कैनल में ये डिस्टर्बेंस है वो चली गई है उसके बाद जो है वो आपको एक ग्रीन कलर का वो पार्ट है वो दिख रहा होगा वो वाइब्रेट करता हुआ दिख रहा होगा मीन्स वो जो डिस्टर्बेंस है वो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ईयर ड्रम अके तो जैसे अभी आप एनिमेशन में देख रहे हो पिना पिना के थ्रू पहले एंटर हुई उसके बाद ऑडिटरी कैनल में वाइब्रेशन हो रही है ईयर ड्रम तक पहुंच गए ये आपको दिख भी रहा है लेवलिंग भी और अभी देखो अभी आपने ये देखा एक शाइनी सा पार्ट मिडिल ईयर वाला इसको बोलते हैं ऑसिकल्स इसको ऑसिकल्स बोलते हैं इसके इसके तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बोलें रहे मेलियस है सेकेंड है इनकल्स और थर्ड जो है दैट इज स्टेप्स और इनकी शेप के बेसिस पे इनके और भी नाम रखे गए हैं जैसे मेलियस है इसकी शेप जो है वो हैमर की तरह होती है तो इसको हैमर बोलते हैं जो इनकस है इसकी जो शेप होती है वो एनवेल जो कि ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं एक टूल होता है उनका तो एनवेल तो वैसी स्ट्रक्चर है इसको एनवेल बोलते हैं और तीसरा जो है वो है स्टेप्स इसकी जो uh, uh, शेप है वो स्टेरप की तरह होती है स्टेरप क्या होता है जैसे हॉर्स राइडिंग जो करते हैं वो जहाँ पे अपना पाँव रखते हैं उसको शेरप बोलते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये हम बात करते हैं कि जो ये ऑसिकजिन का फंक्शन क्या है तो ये जो ऑसिक्स होते हैं इन ये एम्प्लीफिकेशन करते हैं जो साउंड वेव्स आती हैं उनको इवन ट्वेंटी टाइम्स तक बीस गुना उसको इंक्रीज कर देते हैं एम्पलीफाई कर देते हैं जिससे कि वो इजीली हमारा जो इनर ईयर है उससे ट्रैवल कर पाएँ हाँ इनर ईयर का जो मेन पार्ट है उसको बोलते हैं कोकलिया जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कॉकलिया तो कॉकलिया में जो मीडियम होता है वो लिक्विड होता है मीन साउंड वेव्स को लिक्विड मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होना पड़ता है ओके तो लिक्विड मीडियम में ज़्यादा फोर्स चाहिए उनको इसीलिए जो पहले जो मिडिल ईयर है उसको ट्वेंटी टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है जिससे कि वो इस लिक्विड मीडियम से ईजिली ट्रैवल कर पाएँ और उसके बाद जो ये क्वाक् होता है तो क्वाकलिया में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जैसे आप देखोगे अभी ये हेयर हेयरलाइट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं इनका फंक्शन जो है इनका फंक्शन क्या है जो सिग्नल आ रहा है जो साउंड वेव्स आ रही हैं उन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाना जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई कर सके कि साउंड किसकी है